डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड है अपॉन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है ये एटॉमिक मास के कंपैरिजन में एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के फिजिकल मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो वो एटॉमिक नंबर पे ज्यादा डिपेंड करती है एज कंपेयर टू एटॉमिक वेट। कैसे? हमें पता है एलिमेंट के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट है। तो जब कोई सब्सटेंस जिसके एटम्स हैं हम उसमें कुछ रीजेंट ऐड करेंगे तो कंबाइन किससे करेगा? इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि न्यूक्लियस तो अंदर है। तो इंट्रैक्शन है किसी रीजेंट का, वो किसके साथ होगा? इलेक्ट्रॉन से। तो केमिकल प्रॉपर्टी मेनली किस पे डिपेंड हुई? इलेक्ट्रॉन्स पे। इसलिए एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट के कंपैरिजन में मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है, मींस एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। अब जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक जैसे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। इसका ये मीनिंग है जो लिखा हमने कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इट मींस जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा तो एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद एक जैसे एलिमेंट इकट्ठे हो जाएंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे और ये कहलाती है पीरियोडिसिटी। अब एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक जैसे एलिमेंट इकट्ठे क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन, उसका कॉज क्या है? इट इज ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट हो जाता है। देखें कैसे। जैसे पहले पीरियड में, अब जो मॉडर्न टेबल है उसको अगर हम देखें तो उसमें देखो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये क्या हैं? ग्रुप्स। कितने हैं ये? 18। और लेफ्ट से राइट ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये कितनी हैं? 7। ये क्या कहलाते हैं? पीरियड। तो जो रेगुलर इंटरवल, उसका मतलब क्या है रेगुलर इंटरवल का? मतलब देखो पहला जो पीरियड है उसमें दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो दो के बाद हम कहाँ जाएंगे? पहले ग्रुप में, लिथियम पे आ जाएंगे। फिर लिथियम, बेरिलियम, इसमें कुल 8 एलिमेंट्स हैं। तो हम 8 के बाद वापस कहाँ पर आ जाएंगे? सोडियम में। फिर 8 के बाद कहाँ पर आ जाएंगे? पोटासियम पे। फिर इसमें 18 हैं, तो ये जो 2 है, 8 है, 18 है, ये रेगुलर इंटरवल है। हम एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक ग्रुप में आ जाते हैं और हमें पता है एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। उसका रीजन देखें क्या है। उसका रीजन ये है कि जो आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसा है। जैसे हाइड्रोजन के लास्ट में 1s1 है, लिथियम के लास्ट में 2s1 है, सोडियम के लास्ट में 3s1 है। हाइड्रोजन बाकी गैस है, इसको हम छोड़ दें, ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, पोटासियम के आखिरी में क्या आएगा? 4s1। तो क्योंकि इनका आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है और ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो जाता है, इसलिए एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की एक जैसी आ जाती हैं, या यूं कह दें कि एक जैसे एलिमेंट एक ग्रुप में आ जाते हैं। अब जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसको बोहर टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बोहर की स्कीम के अकॉर्डिंग है। बोहर की स्कीम क्या थी? हमने बोहर मॉडल में पढ़ा
सेंटर में एटम के न्यूक्लियस है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में जैसे हमने पढ़ा ना 2n स्क्वायर, तो ये इस के अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग है, इसलिए इसको बोहर टेबल भी कहा जाता है। हम अब स्टार्ट करते हैं पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने लिख रखा है कि किस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट आएंगे और क्यों आएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमने पहले पढ़ रखा है सेकंड चैप्टर में, और पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं हम ऑर्बिटल में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू हबल प्रिंसिपल। तो ये जो लिख रखे हमने एनर्जी का ऑर्डर है, फर्स्ट पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप किस में किए जाते हैं, 1s में, 1s, s की कैपेसिटी हमें पता है 2 की होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एलिमेंट्स होंगे, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 एलिमेंट हैं। सेकेंड पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे 2s और 2p में, s की कैपेसिटी होती है 2, p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्लस 6 कितने आ जाएंगे, 8। थर्ड पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं किसमें, 3s और 3p में, हालांकि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग थर्ड में कितने आने चाहिए, 18। क्यों नहीं आते, क्योंकि जो एनर्जी का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग पहले 3s आएगा फिर 3p आएगा और 3p के बाद क्या आएगा, 4s, उसके बाद 3d आता है। तो 3d जो सबसेल है, 3d के जो ऑर्बिटल्स हैं ये 4s के बाद आते हैं, तो ये फोर्थ पीरियड में फिलअप किए जाते हैं। तो क्योंकि थर्ड पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ s और p सबसेल्स में ही फिलअप किए जाएंगे, इसलिए थर्ड पीरियड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, एलिमेंट कितने होंगे, 8। फोर्थ में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे 4s में, 3d में, 4p में, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग है ये। तो हम सभी पीरियड बता सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन या कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, बताते हैं किस तरह से पूछते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट द सिक्स्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या बताना है कि जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं किसमें, 6s, 4f, 5d एंड 6p सबसेल्स। जो सबसेल का नाम है वही ऑर्बिटल का नाम है। हमें पता है s सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, f सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 7 प्लस 5 और प्लस 3 कितने हो गए, 16। तो इसमें कुल 16 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए गए। हमें पता है अकॉर्डिंग टू पॉली प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ कुल 16 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया गया और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन किसी भी पीरियड के लिए आ सकता है, आंसर एक जैसा ही होगा। तो क्या लिखा हमने, इन सिक्स्थ पीरियड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन 6s, 4f, 5d एंड 6p सबसेल्स। सिंस s कंटेन 1, p सबसेल हैज 3, d सबसेल हैज 5 एंड f सबसेल हैज 7 ऑर्बिटल्स, देयरफॉर टोटल 16 ऑर्बिटल्स कैन बी फिल्ड व्हिच कंटेन्स 32 इलेक्ट्रॉन एंड हेंस सिक्स्थ पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स। तो किसी भी पीरियड के लिए इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमने सिमिलर आंसर देना है। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक ग्रुप के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा,
तो इसके लिए हमने एग्जांपल ले लिया, पहले ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, लिथियम के आखिरी में आता है 2s1, सोडियम, सोडियम के आखिरी में आएगा 3s1, फिर आता है पोटासियम, उसके आखिरी में आएगा 4s1। तो यहां से हमें क्लियर है कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका आउटर शेल का कॉन्फिगरेशन है वो एक जैसा होगा और इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी होती है। तो ये ग्रुप के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। IUPAC नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? पहले क्या था कि कोई एलिमेंट जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वो उसका राइट था कि उसका जो भी चाहे नेम रख दे, अपने कंट्री के नाम पे रख दे। जैसे मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था पोलोनियम, पोलैंड से बिलोंग करती थी तो नाम रख दिया पोलोनियम, उसका उसकी मर्जी थी, उसका राइट था जो भी नाम रखे, देश के ओनर में रखे, अपनी लेबोरेटरी के ओनर में रखे। तो क्या हुआ एक बार कि जो एलिमेंट है 104 इसकी डिस्कवरी अमेरिकन साइंटिस्ट ने और रशियन साइंटिस्ट ने एक साथ कर ली। अमेरिकन ने नाम दिया रुदरफोर्ड नियम, रुदरफोर्ड अमेरिकन साइंटिस्ट थे उनको सम्मान देने के लिए उनके ऑनर में, और रशियन ने नाम प्रत्येक कुर्चातोवियम। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो फिर क्या किया IUPAC ने, पहले जो भी नाम होगा वो इसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा, डिसाइड किया, और उसके बाद IUPAC डिसाइड करेगी उस एलिमेंट को क्या नाम दिया जाए, तब तक उसका नाम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे हम लिखें, हमने मान लो 104 का ही नाम लिखना है तो ये 9 टर्म्स की 10 अपने को डिजिट याद रखनी पड़ेंगी। 0 के लिए निल है, सिंबल होगा इसका N, 1 के लिए U1 है, सिंबल है, ये पहला लेटर है वो सिंबल है। तो ये अगर हमने याद कर लिए तो हम किसी एलिमेंट का IUPAC नाम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हमने 104 का लिखना है तो 1 के लिए क्या लिखा हमने N, 0 के लिए क्या लिखा नी, और 4 के लिए क्या लिखा क्वाट। तीनों डिजिट के नाम लिख देंगे और उसके आखिरी में आ जाएगा IUM। तो ये क्या होगा इसका IUPAC नेम, और सिंबल क्या देंगे इन सब के पहले सिंबल। सिंबल क्या है, जैसे 1 का है U, 0 का है N और 4 का है Q, तो UNQ ये क्या होगा इसका सिंबल। अपने को मान लो 102 का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 के लिए N, 0 के लिए निल और 2 के लिए वाई, और आखिरी में क्या जोड़ना है IUM, तो इसमें लगातार 2 आई आ जाएंगे। तो ऐसे केस में 1 आई को हटा देंगे तो सिर्फ क्या जोड़ दिया हमने UM, ये इसका IUPAC नेम हो गया। और सिंबल क्या हुआ, 1 का सिंबल है U, 0 का सिंबल है N और 2 का सिंबल है B, ऐसे सिंबल आ जाएगा। तो इनको यूज करके हम 100 से ज्यादा जो भी एलिमेंट्स हैं उनका IUPAC नेम लिख सकते हैं।